अस्सलामुअलैकुम। तो गाइज़ कैसे हैं आप सब दोस्त, ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो गाइज़ मैं हूं आपका अपना दोस्त मोहम्मद आलम शेर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आलम टीवी 152। तो आज बैक साइड पे आपको देख के लग रहा होगा कि आलम भाई आज कहाँ है। मैं अभी बताता हूं मैं कौन सी जगह पे आया हुआ हूं। मैं अपने फूफो के घर आया हुआ था चक नौरंग शाह वाली साइड पर। तो अभी रात को यहाँ पहुँचा था। बाइक तो मैंने बहुत भगाई है कि यहाँ का सीन जो है वो थोड़ा डिफरेंट था। मैंने कहा वो दिखाएंगे आपको, ये आपको बैक साइड पे नज़र आ रहा होगा कि क्या चीज़ है, और ये सामने जो नज़र आ रही है जगह वो भी आपको पता चल गया होगा। अगर नहीं चला तो मैं अभी बताता हूँ। ये है जिस गुड़ जो बनता है उसका सारा प्रोसीजर यहाँ पे होता है, और उसके बाद गन्ने के अंदर से जो रस निकलता है इस मशीन के ज़रिए से रस निकाली जाती है, और इस साइड पे ट्रैक्टर लगाते हैं। वो सामने ट्रैक्टर खड़ा है, इधर ले आते हैं, इसके अंदर फिक्स करते हैं। फिक्स करने के बाद इस मशीन के अंदर गन्ने लगाते हैं और उसके अंदर से रस निकलती है गन्ने से, ठीक है। और ये जो चूरा पड़ा है सामने, इसको इसकी आग जलाते हैं, आग जला के इसके अंदर, और जो गन्ने का रस होता है ये जो सामने नज़र आ रहा है आपको कड़ा, इसका यानी कि जो देचकी वगैरह कह लें या कड़ा बोलते हैं हमारे, हाँ, तो इसको ऊपर रखते हैं, इसके ऊपर रख के इसके अंदर ये चूरा जो पड़ा है सामने, चूरा ये वाला इसके अंदर डालते हैं, आग जलाते हैं, और इसको जैसे कि पानी बॉयल करते हैं वैसे इसको बॉयल करते रहते हैं। जब ये खुश्क हो जाता है तो इसके अंदर थोड़े इंग्रेडिएंट्स वगैरह डालते हैं, इंग्रेडिएंट्स डाल के फिर उसके बाद उसको खुश्क करते हैं। खुश्क करने के बाद गुड़ बनाते हैं। जो प्रोसीजर इनका पूरा होता है वो मैं आपको नहीं दिखा सका। मैंने कल कोशिश तो बहुत की है भाई दिखाऊँ, लेकिन फिर भी देर हो गई है, मैं तब तक नहीं पहुँच सका क्योंकि सफ़र था और काम भी काफ़ी सारे करने थे मैंने। और ये बैक साइड वाली जो परिंदा बैठा है, ये आप लोगों ने बताना ये कौन सा परिंदा है कमेंट बॉक्स में। और ये हैं बच्चे छोटे छोटे हमारे। तो उम्मीद करते हैं आज की हमारी ये शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट व्लॉग हमारा आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर करना। तो अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं इनके जानवर वगैरह, जो यानी कि इनके जानवर वगैरह होते हैं सुबह सुबह, जो इनकी ड्यूटी होती है कौन सी होती है। ये किधर जाना भी है, किधर जो इनकी सुबह सुबह ड्यूटी होती है वो आपको दिखाते हैं कौन सी ड्यूटी होती है। ड्यूटी इनकी ये होती है, सुबह सुबह नमाज पढ़ते हैं और तिलावत करते हैं कुरान पाक की। फिर उसके बाद ये हर बंदा अपनी अपनी ड्यूटी में मसरूफ़ हो जाता है। कौन सी मसरूफियात होती है, इनको चारा डालते हैं, चारा डालने के बाद इनको पानी वगैरह पिलाते हैं। और इस साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा ये मछलियों का इन्होंने तालाब बनाया हुआ था, यहाँ पे मछलियाँ ले आए थे छोटी छोटी, इसमें डाल के उनको खुराक डालते थे और घर की ही मछली बनाते थे, फ़िश फॉर्म बनाया हुआ था समझ लें। और ये है इनकी ट्यूबवेल, ये देखें टर्बाइन वगैरह लगी हुई है, इसको ये चलाते हैं ट्रैक्टर की मदद से, ठीक है। और अभी चलते हैं, और भी जानवर हैं वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। तो आज का व्लॉग हमारा बहुत ही अच्छा और मज़ेदार है, और सारा देहाती एरिया ही है इस व्लॉग में, ये देखें। ये मानू भाई हैं, अपने काम में मसरूफ खड़े हैं। अच्छा, ये कहीं दा कुत्ता, कहीं दा जानवर है। तो गाइस उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज का व्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट बॉक्स